हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद गुलफाम। आप देख रहे हैं आईडी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल पीसीबी में लगे हुए क्रिस्टल के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्रिस्टल होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आरटीसी क्रिस्टल, फुल फॉर्म है इसका रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल। तो दोस्तों, देखने में ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसके चार टिप्स होते हैं जो बोर्ड में सोल्ड होते हैं, और ये ब्लैक कलर का, व्हाइट, ब्राउन, सिल्वर, गोल्डन, बहुत सारे कलर में आपको पीसीबी में देखने को मिल जाता है। तो संघ चिन्ह की बात करें तो कुछ इस प्रकार का इसका संघ चिन्ह होता है सेमेस्टिक डायग्राम के अंदर। और दूसरा जो क्रिस्टल है उसको बोलते हैं हम आरएफ क्रिस्टल या ऑसिलेटर। तो दोस्तों, ये जो आरएफ क्रिस्टल है इसको कुछ लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल भी कहते हैं, और ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, ये मेटल का होता है और इसके चार टिप्स होते हैं। और ये जो मेटल का है, जरूरी नहीं कि मेटल का हो, ये आईसी टाइप भी होता है, जैसे आईसी होती हैं। और ये मोबाइल के अंदर 13 मेगाहर्ट्ज़, 19.2 मेगाहर्ट्ज़, 26 मेगाहर्ट्ज़ और 38 मेगाहर्ट्ज़ का आता है। तो पीसीबी में सबसे ज्यादा 26 मेगाहर्ट्ज़ का मिलेगा आपको देखने के लिए। डेनोटिंग लेटर की बात करें तो बी या फिर जी इसका डेनोटिंग लेटर होता है सेमेस्टिक डायग्राम के अंदर, बी या जी से इसको दिखाया जाता है। और नापने की इकाई यानी कि यूनिट जो होती है वो किलो हर्ट, मेगा हर्ट या फिर गीगा हर्ट में नापा जाता है इसको। दोस्तों, नापने के लिए मीटर का यूज नहीं हो सकता इसमें, और इसको नापने के लिए ऑसिलोस्कोप या फिर सीआरओ मशीन आती है, उससे इसको नापा जाता है। तो दोस्तों, पीसीबी के अंदर ये कैसा दिखता है, आइए हम पीसी की स्क्रीन आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम पीसीबी में ये किस टाइप के होते हैं, कैसे लगे हुए होते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, अभी हमारे पास है आईफोन 6 की पीसीबी और इसमें आपका ये आरएफ क्रिस्टल लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इसमें भी चार ही टिप्स हैं, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार टिप्स हैं इसमें, और ये चिपका हुआ है। तो दोस्तों, दूसरी प्लेट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक रेडमी नोट 3 की प्लेट है ये पीसीबी, और इसमें ये यहाँ पर आरएफ क्रिस्टल लगा हुआ है। तो दोस्तों, आरएफ क्रिस्टल ज़्यादातर वाईफाई आईसी, ब्लूटूथ आईसी जो होती हैं उनके पास लगा हुआ होता है, या फिर नेटवर्क सेक्शन में आरएफ आईसी यानी कि नेटवर्क आईसी के पास लगा हुआ होता है। कुछ मोबाइलों में ये दो होते हैं और कुछ मोबाइलों में ये एक ही आता है। ये देखिए, एक और आपका यहाँ पर आरएफ क्रिस्टल है ये, और ये देखिए एक आरटीसी क्रिस्टल। इसमें आप देख पा रहे होंगे चार टिप्स हैं, एक, दो, तीन, चार, ये आरटीसी क्रिस्टल है। तो दोस्तों, इसका साइज शेप कोई फिक्स नहीं है, किसी भी मोबाइल में कैसा भी लगा देते हैं ये लोग। तो सेमेस्टिक डायग्राम से हम इजीली संकेत चिन्ह देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये आरएफ क्रिस्टल है और ये आरटीसी क्रिस्टल है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम इनके वर्क की। तो आरटीसी जो क्रिस्टल होता है, आरटीसी क्रिस्टल ये पावर आईसी के पास ही लगा होता है, पीएमआईसी के पास, और ज़्यादातर इसका वर्क सिर्फ यही होता है, डेड टाइम के लिए होता है ये। और जबकि आरएफ क्रिस्टल का जो वर्क होता है, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है नेटवर्क आईसी के लिए। तो दोस्तों, ये था क्रिस्टल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।